हो और सलमान जी हो तो कंटेंट मायने नहीं रखता है, लेकिन जिस तरह से हमने ट्रेलर देखा इसमें कंटेंट भी बहुत दमदार है, लेकिन काफी लंबी जर्नी है, तो क्या एक क्रिएटिव पर्सन होने के नाते नहीं, दो, आप दो घंटे तीस मिनट जी जी, लेकिन 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 फिल्म में लंबा है, 70 साल की जर्नी, यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सोने में सुहागा का काम करेगी? ईद तो और उम्मीद कर रहे हैं, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं, भारत तो हार नहीं सकता कभी भी। नहीं नहीं नहीं, मैं कंटेंट के वे में बोल रही हूँ कि कंटेंट भी आपको लगता है, आप लोगों ने जरूर फिल्म देखी होगी, तो मैं भूषण जी और आपसे दोनों से पूछना चाहती हूँ। जी, हम दोनों का वही सेम आंसर होगा कि कंटेंट इसका बहुत बहुत अच्छा है। जब हमने पहली बार फिल्म देखी थी जो कोरियन फिल्म थी, उसी इट वॉज अ सब टाइटल के साथ देखी थी और उसमें ही इतना इमोशन और मीन्स इमोशन आ रहा था कि फिल्म हमने उसी टाइम बोला कि नहीं हमें करनी चाहिए। ये दोनों गलत जा रहे हैं, एक इमोशन भरी पिक्चर आई थी ईद पर तो इसमें बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट है, उसे मद्देनजर रखकर हमने बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट डाला है, इमोशन कम है लेकिन प्लॉट बड़ा स्ट्रांग है, प्लॉट बड़ा स्ट्रांग है, सो दिस फुल ऑन इंटर। आपने देखा ही है इसके ट्रेलर और प्रोमोज और गानों के अंदर के इट्स अ फुल ऑन एंटरटेनिंग फिल्म। अतुल जी, दोबारा आपको पर्दे पे हम कब देखेंगे? आपकी ख्वाहिश है ऐसी जरूर कोशिश करेंगे। घर चले जाओ, आप देख लोगे उनको पर्दे।